बीते हफ्ते से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुधवार को सपा के जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्या के नेतृत्व में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 92वीं जयंती मनाई गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय चंद्रशेखर के चित्र पर माल्य अर्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। जिला सचिव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचार, उनकी सोच और दृष्टि में एक समृद्ध भारत की तस्वीर रही है। उनकी संवेदना हमेशा आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इस दौरान जवाहरलाल मौर्या, राम जतन यादव, पंकज शाही, संजय पहलवान, दुईजा देवी, रामा यादव, राजेश सिंह सैथवार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने कहा, आज भारतीय राजनीति में अहम मुकाम रखने वाले भारतवर्ष के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर सिंह जी का 92वां जन्मदिवस समारोह है। विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी हर वर्ष इनके जन्मदिवस समारोह को एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाती आई है। उसी क्रम में आज भी समाजवादी पार्टी उनका 92वां जन्मदिवस समारोह समाजवादी पार्टी कार्यालय बेतिया हाता पर धूमधाम से मना रही है। हम पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से उनको नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।